बच्चों, हम लोग इसके पहले वाले पाठ में पढ़े हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। दूसरे पाठ में हम लोग पढ़े हैं वर्ण विचार। अब हम लोग तीसरे पाठ में शब्द विचार पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, मटर। ये क्या है? ये सार्थक शब्द है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। तो सार्थक, ये सार्थक हो गया कमल, मटर, नयन, और निरर्थक हो गया लकम, रटम, नयन। कहने का मतलब है सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है उसे हम सार्थक शब्द कहते हैं, और निरर्थक शब्द जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। तुम लोग समझ गए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, ठीक है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जिसमें लिंग और वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। इसको हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग नोट भी करते चलना कॉपी में। इसको चार वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसको तुम लोग कॉपी में नोट करो, और एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, हम इसको एक बार और पढ़कर बता दे रहे हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, मटर, क, म, ल। ये तीनों मिलाकर क्या बन जाता है सार्थक शब्द में? कमल बन जाता है, और निरर्थक शब्द हो गया ये लकम हो गया। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इस शब्द से कोई अर्थ नहीं निकलता है तो ये निरर्थक शब्द हो गया, ठीक है। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। इसको चार वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अगले पाठ में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग तुम लोग को प्रश्न उत्तर इसका लिखवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।